प्रयागराज में शाही स्नान के साथ दुनिया के सबसे बड़े समागम कुंभ का शुभारंभ। 4 मार्च तक चलने वाले मेले के लिए व्यापक इंतजाम। राष्ट्रपति ने भव्य आयोजन पर सरकार और देशवासियों को दी बधाई। उपराष्ट्रपति ने कहा सांस्कृतिक एकता के होंगे दर्शन। प्रधानमंत्री ने कुंभ को बताया एक भारत श्रेष्ठ भारत की सही तस्वीर। प्रधानमंत्री ओडिशा और केरल में अनेक विकास परियोजनाओं की आज करेंगे शुरुआत। ओडिशा के तटीय और पश्चिमी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत विकास, कनेक्टिविटी और कारोबार में सुगमता को मिलेगा बढ़ावा। केरल में कोल्लम बाईपास राष्ट्र को करेंगे समर्पित। देश में विमानन क्षेत्र में अपार संभावनाएं। मुंबई में ग्लोबल एविएशन समिट से पहले नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु का बयान। आज से शुरू हो रहे 2 दिवसीय सम्मेलन में सभी के लिए उड़ान मुहैया कराने की चुनौतियों पर होगा मंथन। पहली हवाई माल परिवहन नीति की हो सकती है घोषणा। सेना दिवस पर बहादुर जवानों के बलिदान और दृढ़ संकल्प को कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है याद। परेड में पहली बार आज पुरुषों की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी एक महिला अधिकारी। सेना प्रमुख ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सेना तैयार। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और एडिलेड वनडे में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया का पहले बल्लेबाजी का फैसला। सीरीज में बराबरी के इरादे से उतरी टीम इंडिया। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे।